17 महीने लग गए, लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में 17 महीने बाद 9 अगस्त को जेल से रिहा हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला। इससे पहले 10 अगस्त की सुबह सिसोदिया ने सबसे पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजरंग बली ने मुझे आशीर्वाद दिया है, बजरंग बली जी के चरणों में प्रार्थना लगाई है और जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। केजरीवाल जी के ऊपर भी बजरंग बली जी की बहुत कृपा है, विशेष आशीर्वाद है केजरीवाल जी के ऊपर बजरंग बली का। आप देखिएगा कि केजरीवाल जी को भी बजरंग बली का इसी तरह से आशीर्वाद मिले। इसके बाद वे राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सिसोदिया ने सुबह अपनी पत्नी के साथ चाय का कप थामे हुए सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर की। सेल्फी के साथ उन्होंने लिखा, आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद। दरअसल 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों ही केस में जमानत दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।